YouTube शॉर्ट्स बना के तुम काफी जल्दी वायरल हो सकते हो। शॉर्ट्स क्रिएट करके तुम अच्छा खासा अर्न भी कर सकते हो। YouTube शॉर्ट्स तुम्हें रातों रात एक स्टार तक बना सकता है। ये सब सुन के तुमने एक शॉर्ट चैनल तो क्रिएट कर लिया, मगर उस पे कुछ ऐसे व्यूज आते हैं, या तो उन पे व्यूज ही नहीं आते या फिर व्यूज एक पॉइंट पे जाके फ्रीज हो जाते हैं। एंड अगर ऐसा तुम्हारे साथ भी होता है देन डोंट वरी, बिकॉज पिछले एक महीने के अंदर मैंने 1000 से भी ज्यादा वायरल शॉर्ट्स को स्टडी किया है, जिससे मुझे पता चला ये 5 सीक्रेट्स जो कि ऑलमोस्ट हर एक वायरल शॉर्ट्स पे कॉमन था, जिसके वजह से इस शॉर्ट्स पे अराउंड 7 मिलियन व्यूज, वहीं दूसरी और इस शॉर्ट्स पे ऑलमोस्ट 1.3 बिलियन व्यूज। इन 5 सीक्रेट में से इन 4 के बारे में तो कभी और बात करेंगे, बिकॉज अगर तुमने ये 5th सीक्रेट को सही से यूटिलाइज कर लिया देन तुम्हें वायरल जाने से कोई नहीं रोक सकता, इवन यूट्यूब भी नहीं। यस, मैं बात कर रहा हूँ एक इंगेजिंग हुक एडिटिंग की। अब चाहे तुम एक फोन एडिटर हो या फिर एक पीसी एडिटर, चाहे तुम काइन मास्टर यूज करते हो या फिर कैपकट, या फिर इनके अलावा कोई सभी एडिटिंग एप्लीकेशन तुम क्यों नहीं यूज करते हो, आज मैं तुम्हें जो एडिटिंग स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ वो स्ट्रेटेजी तुम लिटरली किसी भी सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, चाहे तुम फोन का ही एप्लीकेशन क्यों ना यूज कर रहे हो। एंड तुम्हें शो करने के लिए मैं यूज करने वाला हूँ फिल्मोरा, बिकॉज अगर तुम मुझे फॉलो करते होगे देन तुम्हें पता होगा कि पिछले 4 महीने से मैं यूज कर रहा हूँ फिल्मोरा, एंड आज का ये वीडियो भी पूरा फिल्मोरा में ही एडिट किया हुआ है। बाय द वे, अगर तुम ये वीडियो पूरा देख लेते हो देन मैं तुम में से किसी 2 लकी सब्सक्राइबर को गिव अवे करूंगा फिल्मोरा का लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन। नहीं, लाइफ टाइम नहीं, एटलीस्ट 3 से 4 महीने का तो होगा ही वो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 1 से। सबसे पहले तुम अपने एडिटिंग एप्लीकेशन को ओपन करो, लाइक मैंने फिल्मोरा को ओपन कर लिया है। देन एस्पेक्ट रेशियो को सिलेक्ट करो 9:16। देन इसके बाद तुम एडिटिंग के लिए जो भी मटेरियल यूज करने वाले उसे इंपोर्ट कर लो। बाय द वे, मैं जो भी मटेरियल यूज करने वाला उसका लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहे बात करें साउंड इफेक्ट की या फिर बैकग्राउंड म्यूजिक की या फिर जो भी एलिमेंट मैं यूज करने वाला हूँ वो सब। ओके, सो एक बार तुमने मटेरियल्स को इंपोर्ट कर लिया, उसके बाद सिंपली अपने ऑडियो को टाइमलाइन में ड्रैग करो। नाउ ऑडियो तो टाइमलाइन में आ गया है, सो सबसे पहले तुम एक बार प्रीव्यू ले लो। रोनाल्डो एक इंसान है ही नहीं, ये प्राणी 33.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकता है, जो कि ज्यादातर प्रोफेशनल रनर से भी तेज है। 40 की उम्र में 14 वाली एनर्जी और वर्टिकली 2.93 मीटर से भी ज्यादा जंप कर सकता है, ये कोई आम इंसान तो कर ही नहीं सकता ना, इसीलिए। अब ऑडियो को सुनने के बाद तुम्हें ये तो पता चल ही गया होगा कि तुम्हें किस टाइम में किस क्लिप का यूज करना है, सो स्टेप नंबर 2 भी वही है, अपने ऑडियो के हिसाब से टाइमलाइन में एप्रोप्रिएट क्लिप्स को इंपोर्ट करो। एक बार तुम सभी क्लिप को इंपोर्ट कर लो, उसके बाद तुम्हें उनके साइज एंड पोजीशन को एडजस्ट करना है। अब देखो, स्टार्टिंग का 3 सेकंड किसी भी शॉट्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एंड इसीलिए स्टार्टिंग के 3 सेकंड में मैंने रोनाल्डो का ये वाला फेशियल एक्सप्रेशन को यूज किया है। अब क्योंकि ये वीडियो वर्टिकल फॉर्मेट में है नहीं, सो मुझे सबसे पहले इसे वर्टिकल करना होगा, जिसके लिए मैं सिंपली उस पे क्लिक करूंगा एंड साइड से ड्रैग करके इसे जूम कर दूंगा। नाउ अगर मैं इसे प्ले करके देखता हूँ देन यहाँ तुम देख सकते हो कि रोनाल्डो हर वक्त फ्रेम में नहीं है, सो रोनाल्डो को फ्रेम में लाने के लिए मैं यूज करने वाला हूँ की फ्रेमिंग का, जिसके लिए सिंपली अपने वीडियो क्लिप को सिलेक्ट करो। नाउ राइट साइड में वीडियो टैब के नीचे तुम्हें बेसिक सेटिंग के अंदर ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन दिख जाएगा। नाउ अपने वीडियो क्लिप के स्टार्टिंग में आ जाओ, देन ट्रांसफॉर्म के बगल में जो डायमंड शेप बना हुआ है उस पे क्लिक करो। क्लिक करते ही तुम्हारे क्लिप के स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड हो जाए। नाउ वीडियो को प्ले करो एंड जैसे ही रोनाल्डो फ्रेम से बाहर जाएगा उसी वक्त पॉज कर दो एंड उसके बाद उसी पोजीशन में एक और की फ्रेम ऐड कर दो। देन तुम वीडियो को ड्रैग करके आगे पीछे करके ऊपर नीचे करके जैसे भी हो सके तुम उसका पोजीशन को सही कर सकते हो, एंड ऐसा तुम्हें पूरे क्लिप के साथ करना है। जैसे रोनाल्डो फ्रेम से बाहर जाए सिंपली वहाँ एक की फ्रेम लगाओ एंड उसके पोजीशन को सही कर दो। बस एक बात ध्यान में रखना कि तुम्हारे शॉर्ट्स में एक फ्रेम ज्यादा टाइम तक स्टेबल ना रहे, यानी कि तुम्हारे पूरे वीडियो में कुछ ना कुछ मोशन होते रहना चाहिए ताकि तुम्हारे शॉर्ट्स बोरिंग बिल्कुल भी ना लगे। लाइक अगर तुम्हें समझ में ना आया हो देन तुम ये वीडियो देखो। नाउ इसी के साथ हमारे स्टेप नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। ओके, सो बेसिक्स तो खत्म हो गए ना, अब बढ़ते हैं एडवांस चीजों की तरफ। स्टेप नंबर 3 में हम कुछ ऐसे चीजों को ऐड करने वाले हैं जो कि हुक क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से शॉर्ट्स का एंगेजमेंट काफी ज्यादा हाई हो जाएगा। लाइक इस शॉर्ट्स का फर्स्ट लाइन है, रोनाल्डो एक इंसान है ही नहीं। सो इसी के जस्ट बाद में रोनाल्डो से रिलेटेड एक छोटा सा मॉन्टाज ऐड कर दूंगा ताकि सिचुएशन थोड़ा ड्रामेटाइज हो जाए, एंगेजमेंट भी बढ़ जाए। ऊपर से ये एक इंट्रो का पार्ट है, सो इससे एक हुक भी क्रिएट हो जाएगा। नाउ इसके बाद बाकी के शॉर्ट्स में एंगेजमेंट को बनाए रखने के लिए मैं यूज करने वाला हूँ हाईलाइटिंग सर्कल्स एंड हाईलाइटिंग एरोज का। सबसे पहले मैं इस सीन में रोनाल्डो के रन को हाईलाइट करूंगा, जिसके लिए मैं यूज करने वाला हूँ ट्रैकिंग का। बट अगर तुम कैपकट या फिर काइन मास्टर यूज करने वाले हो देन तुम्हें ये काम मैनुअली करना होगा की फ्रेमिंग से। ट्रैकिंग करने के लिए सबसे पहले तो तुम वीडियो क्लिप को सिलेक्ट कर लो, देन वीडियो टैब के अंदर तुम्हें दिख जाएगा AI टूल्स का ऑप्शन। AI टूल्स के अंदर तुम्हें दिख जाएगा मोशन ट्रैकिंग का ऑप्शन, सिंपली उसे इनेबल कर दो। इनेबल करते ही तुम्हारे वीडियो के ऊपर एक छोटा सा स्क्वायर बॉक्स आ जाएगा। अब उस स्क्वायर बॉक्स को सिलेक्ट करके तुम रोनाल्डो के ऊपर एडजस्ट कर दो, लाइक मैं कर रहा हूँ। देन इसके बाद क्लिक टू स्टार्ट मोशन ट्रैकिंग पे क्लिक करो।
नाउ इसके कुछ सेकंड बाद ही तुम्हारा ट्रैकिंग कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद तुम यहाँ से स्टिकर में जाओ एंड सर्च करो रेड एरो। अगेन तुम्हें ये सारे मटेरियल डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। नाउ तुम एक रेड एरो को अपने टाइमलाइन में इंपोर्ट करो, देन फिर से तुमने अभी जिस क्लिप में ट्रैकिंग किया था उस क्लिप को सिलेक्ट करो। देन तुम्हें ट्रैकिंग के नीचे ऑप्शन दिखेगा लिंक ऑब्जेक्ट का, सो उस पे क्लिक करो एंड अपने एरो वाले लेयर को सिलेक्ट कर लो। नाउ तुम अपने एरो के पोजीशन एंड साइज को एडजस्ट करो, उसके बाद तुम रिजल्ट्स देख ही सकते हो। ठीक इसी तरह मैं नेक्स्ट क्लिप में रोनाल्डो के जंप को हाईलाइट करने के लिए एक सर्कल ऐड कर दूंगा। ठीक इसी तरह मैं नेक्स्ट क्लिप में रोनाल्डो के जंप को हाईलाइट करने के लिए एक और सर्कल ऐड कर दूंगा। एंड इसमें हमें ट्रैकिंग का जरूरत भी नहीं पड़ने वाला, बिकॉज ये काफी सिंपल क्लिप है एंड इसे मैं काफी सिंपली की फ्रेमिंग से भी कर सकता हूँ। सो इसी के साथ हमारा स्टेप नंबर 3 भी कम्प्लीट हुआ। नाउ लेट्स मूव टू स्टेप नंबर 4, जहाँ हम ऐड करने वाले हैं म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट्स, स्पेशली इंट्रो में, बिकॉज इंट्रो इफ इंट्रो गुड everything good, if intro not good nothing good। so music के लिए मैं यूज करने वाला हूँ ये वाला background music। simply music को select करो and drag and drop कर दो timeline में। इसी के साथ तुम्हारा music भी add हो गया है। now adjust करना है इसका volume। and हाँ, music का volume ना ही तुम्हें ज्यादा high रखना है ना ही ज्यादा कम, so इसीलिए मैं इसके volume को कुछ इतना कर देता हूँ। now intro में काफी तगड़ा hype create करने के लिए मैं add करने वाला intro में एक काफी अच्छा सा cinematic boom, या फिर अगर तुम चाहो then cinematic drop भी add कर सकते हो। by the way ये सभी materials तुम्हें मेरे telegram channel में मिल जाएगा। sound effect लगाने के बाद तुम इसके volume को एडजस्ट कर देना एंड लास्ट में एक अच्छा सा स्मूथ फेड आउट इफेक्ट लगा देना, जिसके लिए तुम्हें सिंपली अपने ऑडियो के राइट साइड में एक छोटा सा डायमंड जैसा बटन दिख जाएगा, सिंपली उस पर क्लिक करो एंड लेफ्ट साइड ड्रैग कर दो। नाउ अगर तुम्हें अपना फेस वैल्यू भी बनाना है देन तुम्हें ऐड करना होगा अपना फेस, जिसके लिए तुम काफी सिंपल सा स्टेप फॉलो कर सकते हो। अपने वीडियो क्लिप को इम्पोर्ट करो, फिर चाहे वो ग्रीन स्क्रीन हो या फिर ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। AI टूल्स के अंदर तुम्हें स्मार्ट कटआउट का ऑप्शन दिख जाएगा। सबसे पहले स्मार्ट कटआउट को इनेबल करो। जैसे तुम स्मार्ट कटआउट को इनेबल करोगे तुम्हें वहां दिख जाएगा ऑप्शन क्लिक स्टार्ट स्मार्ट कटआउट, उस पर क्लिक करो, अपना सब्जेक्ट को सिलेक्ट करो टू स्टार्ट स्मार्ट कटआउट, उस पे क्लिक करो एंड सेव पे क्लिक करो। नाउ अगर तुम एकदम ही आलसी हो देन तुम्हारे लिए भी फिल्मोरा के अंदर एक काफी अच्छा सा टूल है जिसका नाम है स्मार्ट शॉट क्लिप, जो कि तुम्हारे लिए ये चारों स्टेप फॉलो करके एक अच्छा तगड़ा सा शॉट क्रिएट कर देगा। एग्जांपल के लिए देख सकते हो मैंने भुवन बाम का ये 1 घंटा का पॉडकास्ट यहाँ इंपोर्ट कर दिया, देन ड्यूरेशन वगैरह सिलेक्ट कर लिया, स्टाइल वगैरह सिलेक्ट कर लिया एंड इसके बाद जैसे मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा तुम यहाँ देख सकते हो इसने ऑटोमेटिकली मुझे 9 से 10 शॉट्स बना के दे दिया है। इसने कैप्शन ऐड कर दिया, साउंड इफेक्ट ऐड कर दिया, BGM लगा दिया, फास्ट कट लगा दिया, मल्टीपल कैमरा एंगल लगा दिया है जो कि काफी ज्यादा एंगेजिंग है। हमारी ना काफी यंग ऑडियंस है, मेंस एक्सपीरियंस, ठीक है, तो ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि अगर आप उनको एक ओवरऑल अपने एक्सपीरियंस में कोई एक एडवाइस दे सकते हो, बट लाइक माय फेवरेट कैरेक्टर समीर। समीर या समीर के लिए ना चश्मा लगाना पड़ता है, वरना वो समीर नहीं, वो वाला, वो काले वाला और एकदम पतला वाला। मैं ऐसे ही देता हूं एडवाइस कि ए जो अभी मैंने बोला कि किसी से एडवाइस मत लेना, ये सुन लेना, अमल करना ना करना आपके ऊपर है, पर किसको दूंगा एडवाइस में? यंग लड़कों को जो अभी थोड़े से होता है ना कि अभी पर्पस नहीं मिला अपनी लाइफ में, थोड़े से उलझे हुए हैं। यार पर्पस तुम ढूंढ लो, कितना भी पर्पस हो सकता है ना मिले अभी, पर उस चक्कर में स्ट्रेस मत लो ज्यादा। डोंट गेट ऑब्सेसिव ओवर योर फेलियर्स, क्योंकि फेलियर्स वोंट लास्ट फॉर लॉन्ग। एंड हाँ, अगर तुम चाहो देन फिल्मोरा का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, जो कि अभी तुम्हें काफी सस्ते में मिल जाएगा, तो डेफिनेटली तुम एक बार इसके टूल्स को तो जरूर से जरूर यूज करना, बिकॉज ये काफी 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 ज्यादा यूजफुल है यार। एंड सब्सक्राइब कर लो, भले ये स्पॉन्सर्ड वीडियो था तो क्या हो गया, सब्सक्राइब नहीं करोगे?